ईमेल आईडी का डेट ऑफ बर्थ चेंज कैसे करें। दोस्तों, अगर आपके ईमेल आईडी में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या फिर आप किसी भी कारण से अपने ईमेल आईडी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा जिस तरीके से आप आसानी से अपने ईमेल आईडी का डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पर जीमेल को हम ओपन करेंगे। आपको भी अपना जीमेल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोगो शो कर रहा है, इस पर आपको ओके करना है। चलिए हम इस पर ओके करेंगे, आपको भी इस पर ओके करना है। तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपके मोबाइल में जितना जीमेल आईडी होगा वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस जीमेल आईडी का हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है गूगल अकाउंट, इस पर आपको ओके करना है। चलिए हम इस पर ओके करेंगे, आपको भी इस पर ओके करना है। फिर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा पर्सनल इन्फो, इस पर आपको ओके करना है। तो चलिए हम इस पर ओके करेंगे, आपको भी इस पर ओके करना है। तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, नाम के नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको ओके करना है। चलिए हम इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर सर्चिंग होगा, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका शो करेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001। तो इसको मैं आपको चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर 1 जनवरी है, इस पर हम ओके करेंगे डे पर। तो यहाँ से हम कट करके हटाएंगे और यहाँ पर 2 जनवरी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम 2 कर दिए, उसके बाद यहाँ पर जनवरी और यहाँ पर 2001 है। तो यहाँ पर हम 2000 करेंगे, तो इसे कट करके हटाएंगे और यहाँ पर 0 इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 जनवरी 2000 यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सेव, इस पर आपको ओके करना है। तो चलिए हम इस पर ओके करेंगे, आपको भी इस पर ओके करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑप्शन आएगा, कैंसिल और कन्फर्म। तो आपको कन्फर्म पे ओके करना है। चलिए हम इस पर ओके करेंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ के साथ मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेंज हो गया। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखलाता हूँ। तो यहाँ पर पहले 1 जनवरी 2001 था, अब यहाँ पर 2 जनवरी 2000 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी का डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए यहाँ भी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखलाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 2 जनवरी 2000 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी का डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल आसान तरीका से चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।